तो कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था और बोला था कि भाई गुरु ट्रेड 7 ऐप पे एक वीडियो बनाओ और हमें बताओ कि ये ऐप रियल है या फिर फेक है। तो फाइनली इसी रियल और फेक के चक्कर में मेरे भी यहाँ पे 500 रुपए कट चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ कि गुरु ट्रेड 7 ऐप से सच में आप पैसे कमा सकते हो या फिर नहीं कमा सकते। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लोग गुरु ट्रेड 7 ऐप को ही ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड क्यों कर रहे हैं। इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें आप अपने पेटीएम से सिर्फ 100 रुपए ऐड करके और यहाँ पे आप 20 रुपए से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो, जबकि अदर ऐप पे आपको कम से कम 350 रुपए ऐड करना होगा और वहाँ पे कम से कम 70 रुपए से आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप 20 रुपए से ही ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। इसलिए इस ऐप को लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर रहे हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि क्या हम सच में गुरु ट्रेड 7 ऐप पे ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं गुरु ट्रेड 7 ऐप को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे गुरु ट्रेड 7 ऐप को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है और ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक किया और यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ पे रियल अकाउंट है, ये कोई मेरा डेमो अकाउंट नहीं है, ये मेरा रियल अकाउंट है। और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाते हैं हम फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले 100 रुपया ऐड किया था जो कि आप प्रूफ के तौर पे मेरे पेटीएम का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो पहला ट्रेडिंग लिया था वो 50 रुपया का यहाँ पे लिया था और यहाँ पे मैंने 85 रुपया विन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे जब मैंने 85 रुपया विन कर लिया उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर 50 रुपया का ट्रेड लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेड मैं हार गया। उसके बाद अब इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मैंने फिर यहाँ पे 50 रुपए का यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 50 रुपए यहाँ से फिर यहाँ पे मैं लॉस में गया और यहाँ पे अब मेरे पास 100 रुपए यहाँ पे खत्म हो चुका था। बस जो मैंने ट्रेडिंग किया था, एक बार मैंने यहाँ पे 85 रुपए विन किया था उसी में का यहाँ पे 35 रुपए मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने उस 35 रुपए को भी यहाँ पे मैंने लगा दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैं लॉस में गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 200 रुपए ऐड किए, इसका भी प्रूफ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब जैसे ही मैंने 200 रुपए ऐड किया उसके बाद मैंने यहाँ पे 100 रुपए का ट्रेड लिया क्योंकि मुझे मेरे पैसे रिकवर करने थे, इसलिए यहाँ पे मैंने 100 रुपए का ट्रेड लिया और यहाँ पे मैं 170 रुपए विन कर गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे अर्निंग 170 रुपए शो कर रहा है। उसके बाद मैंने सोचा फिर कि यहाँ पे चलो यहाँ पे 100 रुपए लगाते हैं और फिर ट्रेड करते हैं, जो हमारा जो भी पैसा लॉस गया है वो भी यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे 100 रुपए लगाया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी लॉस में चला गया, तो यहाँ पे 100 रुपए फिर से यहाँ पे लॉस में चला गया। उसके बाद अब मेरे पास बचा हुआ था 170 रुपया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फिर मैंने 100 रुपए लगा दिया कि चलो इसके बाद फिर रिकवर हो जाएगा, तो यहाँ पे वे भी 100 रुपए चला गया। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 70 रुपए बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे 50 रुपए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बार और खेलने का चांस हमारे पास रह जाएगा। 50 रुपए लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास 20 रुपए और बच जाएगा, तो मैंने फिर यहाँ पे 50 रुपए लगाया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिर 85 रुपए विन कर लिया। तो फिर मैंने रिकवर के चक्कर में यहाँ पे मैंने फिर 50 रुपए लगा दिया और यहाँ पे मैंने फिर 85 रुपए विन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे जब मैंने 85 रुपए दो बार लगातार विन किया उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे 100 रुपए लगाते हैं, उसके बाद हमारा जो भी लॉस हुआ है वे रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपए लगाया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 171 रुपए यहाँ पे मैंने विन किया, अर्न किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि चलो अब 100 रुपए और लगा दूंगा, तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है वे सारा यहाँ पे मेरा रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने 100 रुपए लगाया अब यहाँ पे लॉस करने का टाइम शुरू हो गया, फिर यहाँ पे लॉस हो गया, फिर मैंने यहाँ पे 100 रुपए लगाया फिर ये भी लॉस, फिर यहाँ पे मैंने 100 रुपए लगाया ये भी लॉस। अब यहाँ पे लगातार मेरा 300 रुपए लॉस गया। अब जब 300 रुपए यहाँ पे लॉस चला गया उसके बाद मेरे रियल अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं बचा था, तो फिर मैंने यहाँ पे 100 रुपए ऐड किया, उसका भी आपको प्रूफ स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपए ऐड किया और यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 85 रुपए विन किया है और फिर यहाँ पे मैंने 84 रुपए विन किया है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हार गया हूँ। तो इस तरीके से मैं ये भी पैसा हार गया। उसके बाद मैंने 100 रुपए और ऐड किया और उसमें से मैंने जब खेला तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बार विन किया और उसके बाद वो भी पैसा यहाँ पे मैं हार गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे रियल अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए में से 10 रुपए 50 पैसा बचा हुआ है। अब फिर चले मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप में ज्यादा लॉस क्यों हो रहा है और यहाँ पे लोग ज्यादा पैसे क्यों नहीं विन कर पा रहे हैं। जैसे कि मेरा भी यहाँ पे 500 रुपए लॉस गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि इस ग्राफ को आप यहाँ पे जूम इन और जूम आउट नहीं कर सकते हो और ना ही यहाँ पे पीछे की तरफ आप ज्यादा रिकॉर्ड देख सकते हो।
सबसे पहला कारण यह है कि आप इसे जूम आउट नहीं कर सकते हो और ना ही जूम इन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको मार्केट का पता नहीं चल पाता है और ना ही यहाँ पे इन लोगों ने कोई इंडिकेटर्स दिया है जिसे आप ऐड करके ये पता लगा सको कि अभी मार्केट अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है, जबकि हर ऐप में ये इंडिकेटर्स वाला सिस्टम होता है जबकि इस ऐप में नहीं है। यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का ऑप्शन नहीं है जिससे आपको ये पता चले कि अभी मार्केट डाउन जाने वाला है या फिर अप जाने वाला है, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ग्राफ दिखता है। ग्राफ के सिवा अगर आप यहाँ पे कैंडल ऐड करना चाहो तो वह कैंडल भी आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो, जबकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए कैंडल को ही यूज करते हैं, और यहाँ पे वे भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें आप सिर्फ एक मिनट के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो, एक मिनट से ज्यादा आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, जबकि एक मिनट का ट्रेडिंग सबसे रिस्की ट्रेडिंग होता है। अगर आप किसी को भी देखोगे जो सबसे ज्यादा पैसे विन करता है ट्रेडिंग में, तो उसे देखोगे कि वे एक मिनट का ट्रेडिंग बहुत ही कम लेता है, वे चार मिनट, पांच मिनट या फिर आधा घंटा या फिर एक एक दिन का लोग ट्रेडिंग लेते हैं, उसमें वे लोग ज्यादा पैसे विन करते हैं। वे लोग एक मिनट का ट्रेडिंग बहुत ही कम लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट या फिर एक एक दिन का वे लोग ट्रेडिंग लेते हैं, तभी वे लोग प्रॉफिट में रहते हैं। और आप यहाँ पे तो सिर्फ एक मिनट का ट्रेडिंग लेते हो और एक मिनट में आप पैसे यहाँ पे हार जाते हो। और इस ऐप का सबसे बड़ा स्कैम कहो या फिर ग्लिच कहो, जब आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे जैसे कि अभी ये डाउन की तरफ जा रहा है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो ये थोड़ा सा और नीचे आकर लगता है, और यहाँ पे जब आप अप की साइड में यहाँ पे जब आप ट्रेड लगाते हो तो लगाओगे यहाँ पे तो लगेगा थोड़ा सा और ऊपर। तो इस कारण मैं यहाँ पे कई बार हार चुका हूँ, तो आप इसे स्कैम भी कर सकते हो या फिर कोई ग्लिच भी होगा। तो अगर आपने इस ऐप में ट्रेडिंग किया होगा तो आपको ये जरूर देखने को मिला होगा। अब फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि भाई ये ऐप हमें विड्रॉ देता है या नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने इस ऐप से पैसे विड्रॉ ही नहीं किए हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने जब यहाँ से पैसे विड्रॉ किए हैं तो 5 घंटे के अंदर उनके पैसे उन्हें रिसीव हो गए हैं। लेकिन जब आप इस ऐप से पैसे विड्रॉ करते हो तो जितना भी आप यहाँ से पैसे विड्रॉ करते हो उसका 4% कमीशन यहाँ पे कट जाता है। फ्रेंड्स, इस ऐप को मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ कि ये ऐप रियल है या फिर फेक है, तो ये ऐप रियल है, बट इस ऐप में बहुत से लोचे हैं। आप इसमें ट्रेडिंग करके पैसे नहीं कमा पाओगे, आप यहाँ पे हर दम लॉस में ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 ट्रेड विन करते हो तो तीसरा या फिर चौथा ट्रेड आप गारंटी लॉस में ही जाओगे, तो आपका यहाँ पे लॉस ही होगा, यहाँ पे आप ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी गुरु ट्रेड 7 ऐप पे ट्रेडिंग किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।